वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो 2.95 पे यहाँ पे ट्रेडिंग करा है आज के दिन में, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। आज जैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन गैप डाउन से ओपन हुआ, गैप डाउन से ओपन होती है यहाँ पे आप देख सकते आज प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था। पर ऊपर ट्री लेवल पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस लगने के बाद फिर से गिरावट हो गई। तो पर आज थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक में। तो प्रीवियस क्लोजिंग का अभी रिसेंटली देखा जाए तो ब्रेक नहीं कर रहा ऊपर के साइड, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए। जैसे कि आज ओपन होता रिलायंस कम्युनिकेशन 2.90 पे, हाई बना था 3 लेवल का और लो है तकरीबन 2.90 का। तकरीबन मार्केट कैप भी देख सकते हो 809 करोड़ की मार्केट कैप है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन का चार्ट एनालिसिस, तो इस मंथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथली प्यूट के नीचे ओपन होने के बावजूद एक अच्छी रैली की थी 2.85, यानी कि मंथली प्यूट को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया था। पर ऊपर से यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिली, यानी कि 3 लेवल के ऊपर सेटल नहीं होना पा रहा है यहाँ पे। तकरीबन कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक में। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।